दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने अब तक ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा। और उस टॉपिक के बारे में मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम बेसिक तरीके से प्राइमरी लेवल का पूरा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक है SEO, जिसको अगर हम फुल फॉर्म में देखें तो इट इज़ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी ये जो वर्ड है SEO, इसको मैं दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता हूँ। एक हो गया SE यानी सर्च इंजन और दूसरा हो गया ऑप्टिमाइजेशन। अभी ऑप्टिमाइजेशन को हम साइड पे रखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले सर्च इंजन के बारे में। अब सर्च इंजन होता क्या है? तो सर्च इंजन को भी अब मैं दो टुकड़ों में डिवाइड करता हूँ, एक है सर्च एक है इंजन। सर्च का मीनिंग ढूंढना, हम कुछ भी चीज़ ढूंढते हैं, खो गया कुछ चीज़ हमें जाननी है तो हम वो चीज़ के बारे में ढूंढते हैं। दूसरी वर्ड है इंजन। इंजन यानी कि हमको वो मूवमेंट करने में, कोई भी चीज़ काम करने में हमें इंजन मदद करता है, एनर्जी देता है, हमें फोर्स देता है, हमें आगे पुश करता है। तो अब हम सर्च और इंजन को अगर कंबाइन करें तो एक ऐसी डिवाइस, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें चीज़ें ढूंढने में मदद करता है। तो अब सर्च इंजन कौन से होते हैं? सबसे बड़ा सर्च इंजन जिस पे आप अभी जिसकी ही एक बच्चे पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं वो है गूगल। तो गूगल एक सबसे बड़ा सर्च इंजन है, वैसे ही याहू के सर्च इंजन है, बिंग है, मोजिला के अंदर एक है, ऐसे मल्टीपल सर्च इंजन्स हम आज इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं। तो अब सर्च इंजन के ऊपर वो तीसरे वर्ड को हम लाते हैं, सर्च इंजन के ऊपर किसी भी चीज़ को ऑप्टिमाइज करना, उसका मीनिंग क्या होता है? तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कर लीजिए दोस्तों कि आपका एक घड़ी का दुकान है, यू ओन अ वॉच कंपनी, आपका एक वॉच का कंपनी है। अब आप चाहते हैं कि जब भी कोई इंसान गूगल पे जाके वॉचेस सर्च करे तो आपका वेबसाइट सबसे पहले सबसे ऊपर दिखना चाहिए, ये आप चाहते हैं। पर अभी आप सपोज एक नई नई कंपनी है, आपने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है और आपके कॉम्पिटिटर्स हैं टाइटन, फास्ट ट्रैक, फॉसिल, राडो एक्सेट्रा, ये सभी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं। तो अभी क्या होगा, कोई भी इंसान वॉचेस सर्च करेगा तो गूगल ये बड़ी ब्रांड्स को पहले दिखाएगा, आप शायद नीचे कहीं पे होंगे और नीचे एकदम साइड से बैठे होंगे क्योंकि ऊपर आपके कॉम्पिटिटर्स सारा बिजनेस ऊपर ऊपर से लेके जा रहे हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं कि मैं ऐसा तो क्या करूँ कि जिसकी वजह से मैं यहाँ पे नीचे उदास उदास जो बैठा हूँ वो एकदम ऊपर पहुँच जाऊँ और ऊपर मैं जो भी कस्टमर वॉचेस करे उसको पहले ही मेरा वेबसाइट दिखे और वो मेरे वेबसाइट पे ही क्लिक करे। क्योंकि हम भी जानते हैं, हम जब भी कुछ गूगल पे सर्च करते हैं तो हम पहले यही देखते हैं कि ऊपर के रिजल्ट्स कौन से हैं और उसी में से हम अपने जवाब को पहले ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यानी अगर आप रिजल्ट्स, सर्च रिजल्ट के पेज में आप ऊपर आ गए तो आपका बिजनेस बढ़ गया। यानी द हायर द पोजिशन ऑन द सर्च इक्वल्स टू द मोर फुटफॉल्स, द मोर लैंडिंग्स ऑन योर वेबसाइट, योर वेब पेज, योर लैंडिंग पेज इक्वल्स टू मोर प्रोस्पेक्ट्स, इक्वल्स टू मोर सेल्स, इक्वल्स टू मोर पैसा ही पैसा होगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा सा फॉर्मूला है। तो यानी कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए हमें गूगल के ऊपर वाली पोजीशन के ऊपर आना पड़ेगा, सर्च इंजन के जो रिजल्ट पेज है उसमें ऊपर हमें आना पड़ेगा। तो अब ये हम किस तरीके से करेंगे? ये हम करते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को समझने के लिए एक और चीज़ जानते हैं कि जो सर्च इंजन है, ये जो गूगल बाबा है, ये जो गूगल देवता है, ये भाई साहब किस तरीके से काम करते हैं। तो इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लीजिए गूगल एक टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक को आप जैसे ही ओपन करते हैं तो पहले आप एक चीज़ देखते हैं जिसको कहा जाता है इंडेक्स, और हर एक इंडेक्स के अंदर लिखा होता है चैप्टर वन ये, उसके अंदर सब टॉपिक वन ये, सब टॉपिक टू ये, सब टॉपिक थ्री ये, फिर चैप्टर टू, उसके अंदर इतने सब टॉपिक्स, ऐसी एक पूरी इंडेक्स आपको देखने को मिलती है। तो अब उसका मतलब क्या हुआ कि वो इंडेक्स देख के आपको एक पता चल जाएगा कि मुझे सपोज अगर एक्स पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में देखना है तो वो है ऑन पेज नंबर 27। तो यानी सीधा आप 27 पे पहुंच के आपके दिमाग में जो सवाल था उसका जवाब वहां से आप निकाल सकते हैं। वैसे ही गूगल क्या करता है, गूगल इंटरनेट के ऊपर जितनी वेबसाइट्स है इन सभी वेबसाइट्स की एक टेक्स्ट बुक बना के रखता है। अब
अपने पास छुपाई हुई सेफ तिजोरी में, हाँ आपको नहीं मिलेगी। तो ये तिजोरी में वो एक टेक्स्ट बुक बना के रखता है इन सारी वेबसाइट्स की। अब जब भी आप कुछ करते हैं ना, तो गूगल का एल्गोरिदम वो इंडेक्स को देखना शुरू करता है और वो इंडेक्स में से आपका चैप्टर निकाल लेता है कि हाँ इस चैप्टर का इनका सवाल है, और उस चैप्टर में इतनी इतनी वेबसाइट्स के ऊपर इनके सवाल का जवाब है, इतनी वेबसाइट्स इनको दिखा दो। तो उस तरीके से आपने जो कुछ भी सर्च किया इंटरनेट के ऊपर, उस क्वेश्चन को लेके वो अपनी इंडेक्स में से ऐसी वेबसाइट्स ढूंढ के निकलता है जिस पर शायद आपके सवाल का जवाब हो, तो उन वेबसाइट्स को वो आपके सामने लाके पेश कर देता है, फिर आप अपने हिसाब से उसमें से अपना जवाब ढूंढ लेते हैं। तो एग्जांपल, मैंने गूगल को पूछा व्हाट इज़ द रनिंग स्पीड ऑफ अ चीता, यानी एक चीता का रनिंग स्पीड, भागने का स्पीड कितना होता है। तो गूगल क्या करेगा, मेरा जो सर्च क्वेरी है, ये जो मैं टाइप करता हूँ उसे सर्च क्वेरी कहता है। गूगल अभी सोचेगा ओके भाई साहब ने सर्च किया है व्हाट इज़ द रनिंग स्पीड ऑफ अ चीता, अभी इसमें इम्पॉर्टेंट शब्द कौन से हैं, रनिंग स्पीड किसका, चीता का, यानी रनिंग स्पीड और चीता, ये दो चीज़ें जिस वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई होगी वो वेबसाइट में शायद इसका जवाब होगा। तो गूगल अपनी टेक्स्ट बुक में पूरी टेक्स्ट बुक एक आधे 0.0 समथिंग सेकेंड में पूरी टेक्स्ट बुक स्कैन कर लेगा, वो रोबो में रजनी का आंसर देखते हैं ना ऐसे टेक्स्ट, वो फोन डायरेक्टरी को, वैसे ही गूगल पूरी वो टेक्स्ट बुक को देख लेगा और उसमें से ऐसी वेबसाइट्स का लिस्ट बना देगा जिसमें रनिंग स्पीड और चीता इन दोनों शब्दों का यूज़ हुआ होगा, और उस सभी वेबसाइट्स को पहले वो साइड में लेगा। फिर यानी अगर यहाँ पे 1 करोड़ वेबसाइट्स है तो उसमें से 1,000 वेबसाइट्स को गूगल लेके साइड में बैठा जिसमें व्हाट रनिंग स्पीड और चीता शब्द लिखा हुआ है। अभी ये इन वेबसाइट्स को चेक करना शुरू करेगा कि ठीक है इस वेबसाइट में, अभी ये वेबसाइट है नेशनल ज्योग्राफिक का, यानी इसके ऊपर भरोसा भाई सब किया जा सकता है, इसको रखो इम्पॉर्टेंट में। ये अरे यार ये तो किसी न्यूज़पेपर का वेबसाइट है, इस पे एनिमल का इन्फॉर्मेशन कितना सही होगा, सही हो सकता है पर उतना श्योर मैं नहीं हूँ, तो वो थोड़ा नीचे रखेगा। फिर अरे बाप रे एनिमल प्लैनेट सबसे ऊपर रखो, अरे बाप रे डिस्कवरी ये भी रखो इम्पोर्टेंट में, अरे ये तो किसी लोकल ब्लॉग का वेबसाइट है इसको थोड़ा सेकेंड में रखो, अरे ये तो कल ही वेबसाइट बना है इसको थर्ड प्रायोरिटी में रखो, अरे इस पे तो सिर्फ एक चीता का फोटो है इसको फोर्थ प्रायोरिटी में रखो। ऐसे करते हुए गूगल वो सभी वेबसाइट जो 1,000 उसने साइड पे निकाली है ना, उसमें से उसको सीक्वेंस में डालेगा कि कौन सा सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज़्यादा संभावना है आपके सवाल के जवाब होने की, और उस सीक्वेंस को वो आपके सर्च इंजन के पेज के ऊपर ला के रख देगा, और ये पूरा प्रोसेस 0.1 समथिंग सेकेंड्स में हो जाता है, इसीलिए उसे गूगल देवता कहते हैं। पर ये जो चीज़ है ना, ये आपका सर्च करने के और आपको रिजल्ट दिखने के बीच में इतनी सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों इससे हम एक चीज़ समझ रहे हैं कि आपका जो कुछ भी बिजनेस है उसके रिलेटेड अगर कुछ भी सर्च हो रहा है और उस सर्च में अगर आपको ऊपर आना है, तो उसका एक सीक्रेट क्या है, आपके कस्टमर जो भी सर्च कर रहे हैं आपके बिजनेस के बारे में, वो चीज़ आपकी वेबसाइट पर होनी चाहिए। एक बार फिर से, आपके कस्टमर्स आपके बिजनेस, आपके सेल्स, आपकी प्रोडक्ट, आपके प्रोफाइल के बारे में जो कुछ भी सर्च कर रहे हैं या सर्च कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का जवाब और वो सभी शब्द आपकी वेबसाइट पर होने चाहिए। और अगर वही सारे शब्द आपकी वेबसाइट पे होंगे तो गूगल बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट को इम्पोर्टेंट गिनेगा उस सवाल का जवाब देने के लिए। तो यानी अभी मैं फिर से थोड़ा पीछे जाके वही घड़ी, वो वॉच वाली कंपनी का एग्जांपल कंटिन्यू करता हूँ। अभी मेरा ये घड़ी का कंपनी और मैं सर्च इंजन में बहुत शार्प हूँ, बहुत शाना हूँ, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है कस्टमर्स क्या क्या सर्च कर सकते हैं मेरी घड़ियों के बारे में। अभी मेरा सपोज़ मेल वॉचेस का ही बिजनेस है, ठीक है एग्जांपल को सिंपल करने के लिए, तो कस्टमर क्या कर सकता है, ठीक है बाय वॉचेस, वॉचेस फॉर मेन, चीप वॉचेस फॉर मेन, फिर स्टाइलिश वॉचेस फॉर मेन, फैशनेबल वॉचेस फॉर मेन, ये सभी चीज़ें कस्टमर सर्च कर सकते हैं। और ये चीज़ें सर्च करने वाला कस्टमर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शायद वो अभी घड़ी खरीदने निकला है, तो उसको अगर मेरा वेबसाइट दिख गया और उसको मेरी वेबसाइट पे कोई डिज़ाइन पसंद आ गया तो वो खरीद लेगा मेरी वेबसाइट से।
तो यानी ये जो सभी शब्द है ना, फैशनेबल, स्टाइलिश, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी शब्द कभी ना कभी मेरी वेबसाइट के किसी ना किसी पेज के ऊपर मेरे को यूज़ करने हैं। तो यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का सबसे प्राइमरी वे ये है कि जो कीवर्ड्स हैं जो मैं टाइप कर रहा हूँ सर्च क्वेरी में, उन शब्दों का प्रयोग आपकी वेबसाइट पे किसी ना किसी कंटेंट के अंदर होना ही चाहिए। और वो अगर आपने कर लिया तो आपने पहला स्टेप अचीव कर लिया है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का। तो दोस्तों ये है SEO, ये है वो पूरी जर्नी जो गूगल करता है, ये है वो पूरी जर्नी जो एक यूज़र करता है, और ये है वो पूरी जर्नी जो आप एज अ कंपनी करेंगे अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन ऑप्टिमाइज करने के लिए। दोस्तों गूगल के बारे में और चीज़ें जानने के लिए और गूगल पे इजीली सर्च करने के लिए, और अगर आपका बिजनेस है तो ये जानने के लिए कि क्या क्या चीज़ें सर्च हो सकती है गूगल पर आपके बिजनेस के रिलेटेड, इन सभी चीज़ों को सिखाता हुआ मेरा एक पूरा वीडियो कोर्स भी है द आर्ट ऑफ गूगल सर्च, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर जाके आप उसके बारे में और जान सकते हैं, जहाँ पे मैंने ऐसी टेक्निक सिखाई हुई है जो इस पृथ्वी पे आज सिर्फ 1% लोगों को पता है। सिर्फ 1% लोग उन टेक्निक्स को यूज़ कर रहे हैं, और उन टेक्निक्स को यूज़ करके वो गूगल में से ज़्यादा चीज़ें निकाल रहे हैं, जिससे कि उनको जो चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, जिस फॉर्मेट में चाहिए, वो कम से कम समय में वो पा सकते हैं, और अपने बिजनेस, अपने करियर, अपनी लाइफ, अपने गोल्स को इजीली पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन की लिंक चेक करना मत भूलिएगा। मैं हूँ ध्रुव गज्जर, अ गूगल सर्च एक्सपर्ट, अ ट्रेनर एंड अ डिजिटल कोच, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।